जाने माने कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन। हरित क्रांति में 25 वर्ष से कम समय में भारत को बना दिया था आत्मनिर्भर। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से किए गए थे सम्मानित। पीएम मोदी का डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के निधन पर दुख का इजहार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज पूरी दुनिया में हो रहा है श्री अन्न का प्रचार प्रसार। कहा कि बाड़मेर का क्षेत्रीय कृषि अन्न अनुसंधान केंद्र एक नई क्रांति का करेगा सूत्रपात। किसानों व कृषि वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि इनके कारण देश है खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षु केंद्र का किया लोकार्पण। बाड़मेर में क्षेत्रीय कृषि अन्न अनुसंधान केंद्र की रखी आधारशिला। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के अंदर मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाई। वर्ष 2023 को घोषित कराया अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष। कहा कि ये देश के लिए है बड़ी उपलब्धि। और हरियाणा सरकार का नवंबर के पहले सप्ताह में गन्ना खरीदी का काम शुरू करने का फैसला। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मिल में गन्ना लाने वाले किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल पर संदेश भेजने की गई है व्यवस्था। कहा कि सरकार द्वारा चीनी मिलों की क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब समाचार विस्तार से। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का देहांत हो गया है। आज सुबह 11:20 पर चेन्नई में उन्होंने आखिरी सांस ली। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुमकोणम में हुआ था। एमएस स्वामीनाथन अनुवांशिक विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक थे और भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात थे। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश से उभार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। एमएस स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। हमारे देश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व कार्य ने दसियों लाख लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। कृषि में अपने क्रांतिकारी योगदान के अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन नवाचार के पावर हाउस और एक प्रेरक गुरु थे। अनुसंधान और मार्गदर्शन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों पर एक अनमिट छाप छोड़ी है। मैं डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ अपनी मुलाकातों को हमेशा याद रखूंगा। भारत को प्रगति करते देखने का उनका जुनून अनुकरणीय था। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। और एमएस स्वामीनाथन की पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ने अपने पिता के योगदान को याद किया है। उन्होंने बताया है कि एमएस स्वामीनाथन किसानों के कल्याण और देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर प्रयास करते रहे और साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी मेरे पिता ने महत्वपूर्ण काम किए। सौम्या ने कहा है कि हम उनकी 3 बेटियाँ हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनकी विरासत को आगे लेकर जाएंगे। His end came very peacefully this morning. Till the end, he was committed to farmers' welfare and to the happiness and the upliftment of the poorest in society. My father had
taken a lot of initiatives actually to promote women's empowerment in the work of the foundation, of the M.S. Swaminathan Research Foundation, but also his ideas have led to programs like the Mahila Sashaktikaran Yojana. And when he was member of the Planning Commission, he was a member of the 6th Planning Commission. For the first time, there was a chapter on gender that was included and a chapter on environment. And these are two of the contributions that he's very proud of. और आइए अब एक नजर डालते हैं एमएस स्वामीनाथन के कारनामों पर। 1947 में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन दिल्ली आए और IARI में प्लांट ब्रीडिंग पर रिसर्च शुरू किया। 1949 में उन्होंने साइटोजेनेटिक्स से परास्नातक किया। उन्होंने अपने विषय में जीनस सोलेनम और आलू की प्रजाति पर विशेष कार्य किया। स्वामीनाथन को 84वीं बार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इनमें से 24 उपाधियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा दी गई हैं। उन्होंने केवल टिकाऊ कृषि के माध्यम से ही फूड सिक्योरिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा। वो चावल के HY बीजों को तैयार करने वाले कृष्णा स्वामी रमैया राइस हाइब्रिड योजना के सदस्य थे। 1954 में उन्होंने सहायक साइटोजेनेटिक्स के पद पर IARI में कार्य शुरू कर दिया। स्वामीनाथन भारत के अनाज आयातक के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इसके लिए दलील दी थी कि भारत की आय का 70% अनाज से प्राप्त होता है और इसके तुरंत बाद वो अनाज की कई किस्मों को तैयार करने में जुट गए जिससे भारत का अनाज निर्यात बढ़ सके। स्वामीनाथन ने 1950 और 1960 के दशक में हेक्साप्लोइड गेहूं के साइटोजेनेटिक्स पर मूलभूत अध्ययन किया। स्वामीनाथन और बोरलॉग ने हरित क्रांति की नींव रखने के लिए चावल और अनाज की कई किस्मों का विकास किया। स्वामीनाथन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IARI में C4 कार्बन स्थिरीकरण क्षमताओं के साथ चावल की खेती करने के प्रयास शुरू किए गए जिससे बेहतर प्रकाश संश्लेषण और जल उपयोग संभव हो सके। कृषि में स्वामीनाथन ने प्रयासों से चावल गेहूं चना मक्का आदि खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान MS स्वामीनाथन ने खेती के लिए उन्नत कृषि उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया और इसका परिणाम मशीनरी आपूर्ति के औद्योगिक विकास पर भी पड़ता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके प्रदर्शनों ने ग्रामीण लोगों की धारणाओं को बदल दिया। किसानों ने नई जानकारी प्राप्त करने और उसे कृषि में लागू करने के लिए नई कृषि पद्धतियों को अपनाया है और कृषि में न्यूट्रॉन विकिरण पर 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की बैठक में दी गई स्वामीनाथन की रिपोर्ट को रूडी रेविस ने युग निर्माण के रूप में वर्णित किया है। स्वामीनाथन और उनके सहयोगियों का अध्ययन खाद्य विकिरण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने छोटा उदयपुर के बडोली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य को इन विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया और बुडेली में सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से दलितों आदिवासियों गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को वंचित रखा गया। आजादी के इतने दशक बाद भी लंबा समय सुधी गरीबों दलितों पिछड़ा आदिवासियों जेमने वंचित राखवामां आव्या अभावमां राखवामां आव्या ई आजे अनेकविध योजनाओं द्वारा अनेक प्रकार ना विकास की दिशा में खूब आशावादी विचार लेने आगे बढ़ी रहा है। आजादी ने आटला बता दशकों बाद आदिवासी गौरव माटे सम्मान माटे मने अवसर मिलो। अबे भगवान बिरसा मुंडा एमनो जे जन्मदिवस छे एने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आपको हिंदुस्तान मनावे छे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल राजस्थान के बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षु केंद्र का लोकार्पण किया।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के अंदर मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाकर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष की घोषणा की थी। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे देश का किसान तकनीकी रूप से इतना सक्षम हो गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजी जाने वाली राशि किसान सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कमीशन देना पड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि आज जो केंद्र यहाँ खुल रहा है उसका असर केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश पर भी पड़ेगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र बीकानेर में खुलने से किसानों को काफी फायदा होगा। बीकानेर के किसान मूंगफली उत्पादन में अग्रणी हो रहे हैं और उन्हें नई नई तकनीक और उन्नत बीज उपलब्ध करवाने जरूरी हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में बाड़मेर के गुड़ामलानी में क्षेत्रीय श्री अन्न मिलेट्स अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें वर्चुअल रूप से शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई सौगात के लिए किसानों व कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देने के साथ ही उम्मीद जताई कि बाड़मेर का क्षेत्रीय श्री अन्न अनुसंधान केंद्र एक नई क्रांति का सूत्रपात करेगा। उन्होंने प्रसन्नता जताई है कि किसानों व कृषि वैज्ञानिकों के कारण हमारा देश आज खाद्यान्न बागवानी दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ICAR द्वारा किसानों एवं वैज्ञानिकों के हित में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनसे राजस्थान के किसान एवं वैज्ञानिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं जिनकी दूरदर्शिता के कारण आज श्री अन्न का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में श्री अन्न का उत्पादन और बढ़ाने के साथ ही प्रोसेसिंग आदि कार्य करने होंगे जिससे विशेषकर छोटे किसानों का फायदा होगा। और हरियाणा सरकार ने इस वर्ष 2023-24 में गन्ने के पेराई सत्र में गन्ना खरीदी की सूचना मोबाइल पर मैसेज भेजकर करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि मिल में गन्ना लाने वाले किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल पर ऑनलाइन संदेश भेजने की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों एवं देरी का सामना न करना पड़े। सहकारिता मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों में नवम्बर माह के पहले सप्ताह से गन्ने की पिराई का कार्य आरम्भ किया जाएगा और इस वर्ष 424 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई तथा 10% रिकवरी रेट का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार द्वारा चीनी मिलों की क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन की शीर्ष संस्था भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी के NCCF की नई दिल्ली में 53वीं आम सभा की बैठक हुई। इस दौरान NCCF के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में NCCF ने 29.25 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है जो एक रिकॉर्ड है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण संगठन के रूप में विख्यात भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF की राजधानी नई दिल्ली में 53वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए NCCF के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि आप सभी की मेहनत की बदौलत मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में NCCF ने 29.25 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है जो एक रिकॉर्ड है। हमारा जो परिश्रम रहा वो ये बताता है कि 2017-18 में हमारा जो व्यापार था वो कुल 874 करोड़ के लगभग का था और हमारा प्रॉफिट 4.53 करोड़ था। 2022-23 के अंदर जो हम लोगों ने 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज किया है हमारा टर्नओवर 2811 करोड़
और हमारा प्रॉफिट 29.25 करोड़, जो आज तक के एनसीसीएफ के इतिहास में सबसे अधिक रहा। इस अवसर पर एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक एनिस जोसेफ चंद्रा ने कहा कि संस्था ने बीते 6 साल से अनवरत लाभ कमाने का सिलसिला जारी रखा है। इसी के चलते हमने 29 करोड़ का लाभ अर्जित कर 10% डिविडेंड देने का काम किया है। डिविडेंड 10% हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सजेस्ट किया था, जो AGM में अप्रूव भी हुआ है। हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरीथिंग करीब 29 करोड़ हुआ है। हमारा टर्नओवर करीब 3000 करोड़ के आसपास आया है और अगला साल इसका अच्छा बढ़ाव हो सकता है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। इस दौरान बेंगलुरु से आए NCCF के निदेशक शिवलिंगप्पा के जी ने कहा कि NCCF की 53वीं वार्षिक आम सभा में 10% लाभांश देने की घोषणा से शेयर धारकों में खुशी का माहौल है। 260 करोड़ तक लाभ हुआ है सर, इसके लिए 10% सबको डिविडेंड दे रहा है। बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश हो गया है। NCCF जनरल बॉडी में तो सब कुछ खुश हो गया। NCCF कंज्यूमर आइटम, ऑल कंज्यूमर आइटम सप्लाई करता है सर, ऑल कंज्यूमर आइटम्स लाइक दाल, राइस, एवरीथिंग। गौरतलब है कि NCCF की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। यह देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने वाला एक अग्रणी संगठन है, जो समग्र आर्थिक बेहतरी और वित्तीय स्वायत्तता के लिए आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहायता के आधार पर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कामकाज को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करते हुए भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम कर रहा है। राजधानी नई दिल्ली में NCCF की 53वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित द्वारा आयोजित इस बैठक में एक ओर जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का काम हुआ, वहीं दूसरी ओर NCCF द्वारा 29 करोड़ का लाभांश अर्जित करने के बाद डिविडेंड फंड के रूप में 10% डिविडेंड देने का निर्णय भी लिया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मोपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार बढ़त के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 131 रुपए की तेजी देखी गई। यहां 26 सितंबर को सरसों का भाव 5009 रुपए था, जो 27 सितंबर को 5140 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की कोटा मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 सितंबर को सरसों 5200 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, 27 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 5225 रुपए क्विंटल पर हुए। बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी जारी रहा। यहां 26 सितंबर को सरसों का भाव 5490 रुपए था, जो 27 सितंबर को 10 रुपए चढ़कर 5500 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की अलीगढ़ मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 26 सितंबर को सरसों का भाव 5460 रुपए था, जो 27 सितंबर को 10 रुपए घटकर 5450 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी।
कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की धरोल मंडी में रही। यहां 26 सितंबर को उड़द का भाव 8,100 रुपए क्विंटल था, 27 सितंबर को 245 रुपए गिरकर भाव 7,855 रुपए क्विंटल पर रह गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 26 सितंबर को उड़द का भाव 8,450 रुपए था, जो कि 27 सितंबर को 100 रुपए लुढ़क कर 8,350 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 सितंबर को उड़द का भाव था 8,500 रुपए, 27 सितंबर को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,520 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 26 सितंबर को उड़द का भाव 8,500 रुपए क्विंटल था, 27 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,500 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। तमिलनाडु के किसान धान और मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भंडारित कर लें। तमिलनाडु में बरसात के मौसम में नारियल के पेड़ों में गैंडा भृंग होने पर इसे रोकने के लिए राइनोल्यूर फेरोमोन जाल लगाएं। तमिलनाडु में बैंगन में इस मौसम में खस्ता फफूंदी की संभावना रहती है। बैंगन के खेतों में इस घटना के नियंत्रण के लिए वेटेबल सल्फर का छिड़काव करें। तमिलनाडु में अगर करेला में फल मक्खी का संक्रमण दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तमिलनाडु में हल्दी में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाएं छिड़कें। तमिलनाडु में गन्ने के खेतों में पानी जमा ना होने दें। कर्नाटक के किसान भी अरहर के खेतों में पानी जमा ना होने दें, इसके लिए वो छोटे छोटे नाले बना लें। कर्नाटक में सूरजमुखी के पौधों में पादप रोगों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान कपास की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। यहां के किसान मौसम को देखकर ही बाजरे की फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। कर्नाटक में अमरूद में मिलीबग को रोकने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं यहां अनार में रस चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। कर्नाटक में मक्के में फॉल आर्मी वर्म के गंभीर संक्रमण की स्थिति में जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खास खबरों पर। पंजाब कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक सुखपाल खेरा को पंजाब की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुखपाल खेरा ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक पुलिस ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि एक पुराना NDPS का मामला है जिसको लेकर पूछताछ के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी संत सिंह चटवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लिए शानदार काम किया है और इस पर सिखों को गर्व है। चटवाल ने कहा है कि भारत में सिख समुदाय के कई लोग अहम पदों पर हैं। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने G20 शिखर सम्मेलन की प्रगति की समीक्षा की और सभी कार्य समूहों को हर महीने परिणामों की रिपोर्ट भेजनी होगी। पंजाब के मोहाली जिले के कुराली गांव में स्थित इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। घटना में 5 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना में 2 गंभीर मजदूरों को मोहाली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मुंबई में गणेश उत्सव के अवसर पर बच्चों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर आमंत्रित कर मुलाकात की और आरती की। महाराष्ट्र के ठाणे समेत विभिन्न इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को यातायात समेत कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्टेशन पर हुए ट्रेन दुर्घटना के मामले में लोको पायलट समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच डेंगू की रोकथाम और प्रबंध के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, न्याय अधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों को HIV अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत HIV संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीर्ष निपटारे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।